स्वागत है दोस्तों, कैसे हो आप लोग। टॉप 5 बेस्ट 5G मोबाइल अंडर 10,000। तो दोस्तों, आप अगर आपकी 4G डिवाइस को 5G में अपग्रेड करना चाहते हो और बजट में एक मोबाइल को लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। यहाँ पे मैंने इंडिया की बेस्ट 5 5G डिवाइस को सेलेक्ट किया है जो आपको मिल जाए सिर्फ 10,000 के अंदर। और जो नंबर 1 पे डिवाइस है वो मेरी पर्सनल फेवरेट है। यहाँ पे आपको प्राइस के हिसाब से फीचर काफी तगड़े मिलने वाला है। तो एक एक करके सभी के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। और आप अगर मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियो और भी देखने के लिए। तो दोस्तों, इस लिस्ट की जो सबसे पहला डिवाइस आता है वो आता है इनफिनिक्स की तरफ से। जैसे कि पता है, इनफिनिक्स बजट में काफी अच्छे अच्छे मोबाइल निकालते हैं, तो ये डिवाइस इनफिनिक्स की सबसे अच्छा एक बजट 5G डिवाइस है। ये है इनफिनिक्स की इनफिनिक्स हॉट 20 5G। तो एक एक करके इसके सभी फीचर को आप जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.78 इंचेस का फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट मिलेगा अप टू 580 पीक ब्राइटनेस की सपोर्ट। डिस्प्ले काफी अच्छा है प्राइस के हिसाब से। दोस्तों, आप बात करते हैं कैमरे के बारे में। तो रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होगा, उसके साथ साथ एक AI लेंस भी आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पे बात करें फ्रंट कैमरा की, तो 8 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा मिलेगा। तो दोस्तों, आप बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस और 5G कनेक्टिविटी के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलने वाला है MediaTek Dimensity 6020 5G प्रोसेसर, जिसकी एंटीटू स्कोर 4 लाख से भी ज्यादा है। तो काफी तगड़े आपको प्रोसेसर मिलने वाला है। तो इस मोबाइल पे आप गेम भी खेल सकते हो काफी अच्छी तरीके से, फ्री फायर पबजी चल जाएगा, एंटीटू स्कोर काफी सही है। और दोस्तों, बात करें 5G बैंड की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 10 5G बैंड। अदर बैंड पे आपको 8 या फिर 6 5G बैंड प्रोवाइड करता है, पर इनफिनिक्स इस मोबाइल पे आपको 10 5G बैंड देखने को मिलेगा, जो काफी अच्छी बात है। तो दोस्तों, अगर सभी फीचर की बात करें तो यहाँ पे आपको एंड्रॉइड 13 रन मिलेगा 113 की साथ। रैम की बात करें तो बेस वेरिएंट पे आपको मिलने वाला है 4GB रैम और 128GB स्टोरेज, जो काफी सही है। तो दोस्तों, आप बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो दोस्तों, इसकी जो बेस वेरिएंट है मतलब 4GB 128GB, उसकी प्राइस 11,500 यहाँ पे आप देख सकते हो। पर दोस्तों, ज्यादातर टाइम यहाँ पे आपको 1,000 रुपए का ऑफ मिल जाएगा और इसकी जो प्राइस वो 10,500 आप देख सकते हो। पर दोस्तों, जब फ्लिपकार्ट पे सेल चलता है तो ये मोबाइल 10,000 के अंदर भी आ जाता है। तो दोस्तों, आप अगर सेल पे खरीदते हो तो आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट पे ये 10,000 के अंदर मिल जाएगा और नॉर्मल टाइम पे आपको 10,500 पे करना होगा। तो इस प्राइस पॉइंट पे काफी शानदार सा एक डिवाइस है। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा, आप अगर 10,000 के आसपास एक 5G डिवाइस लेना चाहते हो तो इनफिनिक्स के इनफिनिक्स हॉट 30 5G के साथ जरूर जा सकते। तो दोस्तों, इस लिस्ट की जो नेक्स्ट डिवाइस आता है वो है इंडिया का सबसे सस्ता चीपेस्ट 5G मोबाइल, पर फीचर आपको काफी अच्छे अच्छे मिलने वाले हैं। दोस्तों, ये है लावा की तरफ से लावा विलेज 5G। जी, तो एक एक करके इसकी सभी स्पेसिफिकेशन को जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको मिलने वाला है प्रीमियम ग्लास बैक डिजाइन। तो लुक वाइज ये डिवाइस काफी प्रीमियम सा होने वाला है। और जो कैमरा मॉड्यूल है ना, वो भी काफी यूनिक आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। अदर फीचर की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.5 इंच का HD प्लस IPS डिस्प्ले, जिसकी रिफ्रेश रेट 90Hz की होने वाला है, जो काफी अच्छी बात है। और इसके साथ साथ बात करें कैमरा सेटअप की, तो रियर पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा आपको 50 मेगापिक्सल का मिलेगा और सेकेंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो मिलेगा और उसके साथ साथ 0.3 MP का एक लेंस भी मिल जाएगा। और दोस्तों, आप मेन कैमरा से 2K रेजोल्यूशन तक वीडियो शूट कर सकते हो, जो काफी अच्छी बात है। और दोस्तों, बात करें सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। दोस्तों, आप बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 2.2 GHz की MediaTek Dimensity 7000 प्रोसेसर, जो 7 nm पे बेस्ड है। और दोस्तों, एक 5G प्रोसेसर है, तो यहाँ पे आपको 8 5G बैंड देखने को मिलेगा। तो इस प्राइस पॉइंट पे 8 5G बैंड काफी अच्छी बात है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 4GB प्लस 3GB रैम मिलेगा, जब 3GB वर्चुअल रैम होगा। उसके साथ साथ UFS 2.2 टाइप के 128GB का रोम मिल जाएगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट की सपोर्ट भी मिल जाएगा। अदर्स कुछ यूनिक फीचर के बारे में बात करें तो इस मोबाइल से आप यूट्यूब को बैकग्राउंड पे चला सकते हो, जो काफी अच्छी बात है। और उसके साथ साथ जो एनोनमस कॉल रिकॉर्डिंग है वो भी आप यूज कर सकते हो। ये दो फीचर मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी। तो दोस्तों, ये तो होगा इसकी सभी फीचर। तो आप बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में, तो इसकी जो प्राइस वो 9,300 है, पर सेल पे 8,500 के आसपास आ जाता है। ठीक है, तो 8,500 पे 5G मोबाइल काफी अच्छी बात है। मार्केट में इस प्राइस पॉइंट पे अदर कोई भी डिवाइस नहीं है। और
तो दोस्तों नेक्स्ट जो डिवाइस आता है वो आता है आईटेल की तरफ से, आईटेल P55। तो दोस्तों आईटेल ब्रांड को आप ऐसे वैसे मत समझना, ये इन्फिनिक्स की एक सब ब्रांड है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो एक एक करके इसकी सभी फीचर को जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि एक 5G डिवाइस है तो यहाँ पर आपको मिल जाता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 608 जो 5G चिपसेट, जिसके एंटीटू स्कोर 4 लाख से भी ज़्यादा है। हाँ दोस्तों, तो इस डिवाइस की जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छी होने वाले है। इस मोबाइल पे आप थोड़ी बहुत गेम भी खेल सकते हो, फ्री फायर, पबजी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगा। और दोस्तों उसकी साथ साथ आपको 12GB का रैम मिल जाएगा, जहाँ पे 6GB इंटीग्रेटेड है और 6GB आपको वर्चुअल रैम मिलेगा। और दोस्तों 128GB का आपको स्टोरेज भी मिल जाएगा, जो प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा है। तो दोस्तों ये तो होगा इसकी परफॉर्मेंस। अब बात कर लेते हैं इसके अदर फीचर के बारे में। तो अदर फीचर में यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.6 इंच का HD+ IPS डिस्प्ले, जिसकी रिफ्रेश रेट 90Hz है। तो डिस्प्ले भी काफी अच्छा है। उसके साथ साथ बात करें कैमरा की, तो कैमरा इस मोबाइल की काफी तगड़ी होने वाली है। यहाँ पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50MP का होगा। उसके साथ साथ आपको एक AI लेंस भी मिल जाएगा। बात करें फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट पे आपको 8MP का सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। और दोस्तों बात करें बैटरी की, तो यहाँ पे आपको 5000mAh का लार्ज बैटरी मिल जाएगा विथ 18W फास्ट चार्जिंग। और दोस्तों इस डिवाइस पे आपको सिक्योरिटी पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक भी मिल जाएगा, एंड्रॉइड 13 इस पे रन होगा। और दोस्तों इस डिवाइस की मुझे सबसे अच्छी बात लगी, यहाँ पे आपको मिलने वाला 2 ईयर की वारंटी। हाँ दोस्तों 2 साल की वारंटी मिल जाएगा, जो काफी अच्छी बात। दोस्तों ये तो होगा इसकी सभी फीचर। अब इसकी प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। नॉर्मल टाइम में इसकी जो प्राइस वो 10,500 रहता है, पर मैक्सिमम टाइम यहाँ पे आपको 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाता है। तो इसकी जो प्राइस वो 9,000 के आसपास रहता है। तो 9,000 में काफी वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है, तो इस प्राइस पॉइंट पे इस मोबाइल को जरूर ले सकते हो। सबसे बड़ी बात, आपको 2 ईयर की वारंटी मिल जाता है। दोस्तों इसलिए इसकी जो नेक्स्ट डिवाइस वो 500 मेरी फेवरेट है, इसकी प्रीमियम लुकिंग की वजह से। यहाँ पे आपको ग्लास बैक मिल जाता है, उसके साथ साथ रिंग लाइट की फीचर भी मिल जाता है। हाँ दोस्तों इस प्राइस पॉइंट पे आपको रिंग लाइट की फीचर मिल जाता है। तो दोस्तों ये डिवाइस है लावा की तरफ से, लावा ब्लेज 2 5G, जो ब्लेज की अपग्रेडेड वर्जन है। तो एक एक करके इसके भी सभी फीचर को जान लेते हैं। आप सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके लुक के बारे में। तो दोस्तों जैसे देख सकते हो, एक बजट डिवाइस है, पर बैक के लुक से लगेगा एक प्रीमियम सा एक डिवाइस है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, आपको राउंड शेप पे कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा विथ ऑरा लाइट। हाँ दोस्तों यहाँ पे आपको रिंग लाइट की फीचर भी मिल जाएगा, जो काफी अच्छे एक फीचर होने वाले हैं बजट डिवाइस के हिसाब से। तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं बाकी फीचर के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.67 इंच का LCD सेंटर कंट्रोल डिस्प्ले, जो प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक सा है। और प्रोसेसर मिलेगा डायमेंसिटी 6020 5G प्रोसेसर, प्रोसेसर काफी पावरफुल होने वाला है। रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा आपको 50MP का और 2MP का एक सेंसर भी मिल जाएगा। और दोस्तों बात करें सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 8MP का एक सेल्फी कैमरा। और दोस्तों इसके कुछ हाइलाइटेड फीचर के बारे में फिर से मैं बता दूं, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है ग्लास की बैक, जहाँ पे आपको रिंग लाइट की फीचर भी मिल जाएगा। और दोस्तों 90Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा विथ 5V कैमरा। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट भी मिल जाएगा। और दोस्तों सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे आपको 5000mAh का बैटरी मिलेगा विथ 18W की फास्ट चार्जिंग। तो देख सकते हो सभी कुछ फीचर आपको एकदम एक्स्ट्रा लेवल का मिल रहा है, और लुक एंड डिजाइन भी काफी सही है। तो दोस्तों बात करें प्राइस की, तो इसकी जो 4GB+64GB वेरियंट है उसकी प्राइस 9,999, मतलब 10,000 है। इसी टाइम पे इंडियन मार्केट पे इस प्राइस पॉइंट में कोई भी 5G डिवाइस को प्रोवाइड नहीं कर रहा है, और कर भी रहा तो इतने सारे फीचर को नहीं दे रहे। तो मेरे हिसाब से इस प्राइस पॉइंट में वन ऑफ द बेस्ट मोबाइल ये है। तो आप अगर चाहते हो 10,000 के अंदर एक 5G डिवाइस को लेना, तो आप आंख बंद करके इसके साथ जा सकते हो। काफी शानदार सा ये डिवाइस है। तो दोस्तों नेक्स्ट, आपको अगर एकदम लेटेस्ट लॉन्च 5G डिवाइस चाहिए अंडर 10,000 में, तो आप इसके साथ जरूर जा सकते हो। एक कुछ ही दिन हुआ है इंडियन मार्केट पर लॉन्च हुए, ये है पोको की तरफ से पोको M6 5G। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर मिल जाता है इस प्राइस पॉइंट पे। आप गेमिंग डिवाइस के लिए भी इस डिवाइस को यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाता है। ऐसे तो एक एक करके सभी डिटेल्स को जान लेते हैं। बात करें डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.74 इंच का HD+ डिस्प्ले, जब आपको 600 नीट पिक ब्राइटनेस मिल जाएगा, 90Hz का रिफ्रेश रेट भी मिल जाएगा। तो डिस्प्ले प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा है। बात करें परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला मीडियाटेक डायमेंसिटी 6100+ चिपसेट, जो 6nm पे बेस है, और ये 5G चिपसेट है। और वहीं पे बात करें रैम की, तो यहाँ पे 4GB रैम, 128GB रोम
मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके कैमरा के बारे में, तो यहाँ पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होगा, उसके साथ साथ एक 0.08 एमपी का एक कैमरा भी मिल जाएगा। तो मेन कैमरा से आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। वहीं पे बात करें सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 5 मेगापिक्सल का एक फ्रंट कैमरा मिल जाएगा, जिससे भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। बात करें सिक्योरिटी की, तो यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको 5000mAh का लार्ज बैटरी मिलेगा विथ 18W चार्जिंग, तो चार्जिंग भी ठीक ठाक सा है। और दोस्तों इस मोबाइल की पर्सनल मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी इसकी कलर, यहाँ पे आपको दो कलर वेरिएंट मिलेगा, एक तो होगा गैलेक्टिक ब्लैक और ओरियंट ब्लू। मुझे जो ओरियंट ब्लू वो काफी अच्छा लगा लुक वाइज। और दोस्तों इस डिवाइस पे एंड्रॉइड 13 रन होगा, MIUI 14 चलेगा। तो दोस्तों ये तो क्या इसके सभी फीचर। अब बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में, तो इसकी जो 4GB 128GB वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस 10,500 है। और दोस्तों यहाँ पे लॉन्च सेल पे आपको 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसकी वजह से इसकी जो प्राइस बोर्ड 9,500 हो चुका है। और इस प्राइस पॉइंट पे ये एक काफी अच्छा सा एक 5G डिवाइस है, तो आप अगर लेना चाहते हो 10,000 के अंदर एक 5G डिवाइस, तो इस डिवाइस को जरूर ले सकते हो। इस प्राइस पॉइंट पे काफी सारे डिवाइस है, ये उनमें से काफी अच्छे फीचर आपको प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो अच्छी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियो फ्यूचर में और भी देखने के लिए।